गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और आप सबको हैप्पी वाला फ्राइडे वीकेंड का एक दिन ठीक पहले। आज मैं बहुत जल्दी उठ गया, एक्चुअली 7 बजे उठी हूँ, लेकिन आज जो मेरा नींद हुआ एकदम परफेक्ट हुआ, मतलब बिल्कुल भी नो डिस्टर्ब नींद जिसको कहते हैं ना, वही मतलब 12:30 to 7 बजे एकदम परफेक्ट एक नींद हुआ है। और अभी जाके मैं उठी हूँ, कल मैंने फेस पैक लगाया था, स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर लग रहा है। तो चलो दिन का शुरुआत करते हैं विद ओम साई राम। तो सुबह सुबह घर में बन रहा है खाना, लेकिन वो एक्चुअली दोपहर के लिए बन जाएगा और दोपहर को और कुछ करेंगे शायद। तो आज एक्चुअली जो ब्रेकफास्ट है ये बाहर से आने वाला है, मतलब छोटा भाई गया है बाहर से ब्रेकफास्ट आने, सुबह का नाश्ता। जैसे यहाँ पे एक शॉप है जिसका नाम है प्रभा। मम्मी और नानी इतना ज़ोर से बात कर रहे हैं ना, आई डोंट नो आपको कितना आवाज़ आ रहा है। ये देखिए, ये सब्जी मम्मी बना रही है, इसमें है कद्दू और इस सब्जी का, ये जो हरा सब्जी है, इस सब्जी का नाम मुझे नहीं पता। नानी इसको बोलती है रेखा, लेकिन मैं इसको बोलती हूँ खुशी। तुरई नहीं है ये, झींगा है तुरई, ये तो खुशी है ना। अच्छा, तो नानी बोली इसका नाम चिचिंगा है, तो आप लोग इसको चिचिंगा बोलते हो कि फिर क्या बोलते हो बता देना। साथ पे है प्रॉन यानी झींगा मच्छी। तो ये एक्चुअली मम्मी सोच रही थी कि सुबह चावल के साथ खाएंगे, लेकिन क्योंकि सुबह का तो ब्रेकफास्ट आने वाला है तो दोपहर में काम हो जाएगा। ये एकदम बहुत ही सिंपल एक सब्जी होता है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है। गुड मॉर्निंग बोलो। बोलो गुड मॉर्निंग। मिस करोगी मोहनपुर जाने के बाद मुझे? नो है, नो यू लव मी, Do you love me? देखो इसमें भी बोलती नहीं है I love you too. जा ऐसा ऐसा, मतलब ये बस कॉन्सोलेशन प्राइज होता है, पता है कि आई लव यू। ठीक है ठीक है ठीक है, कंप्यूटर मुझे बोलते जाओ कंप्यूटर के पास जाओ। छोटा भाई गया है ब्रेकफास्ट लाने, पता नहीं कितना बजे आता है। प्रभा से लाएगा ना मम्मी, शायद प्रभा से ही लाएगा, उसको प्रभा का नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मुझे दिलानपुर चौक में बहुत सारे ऐसे शॉप है थोड़ा सा अंदर में, मुझे वहाँ का नाश्ता ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे मच्छी सुरुआ देते हैं। मुझे मच्छी सुरुआ जो है अंडमान का बहुत पसंद है। आपको मच्छी सुरुआ आपने कभी खाया है अंडमान का? अगर खाया है तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा यम्मी होता है। उसमें फिश ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन एक अलग एक फ्लेवर होता है। छोटा भाई आ गया आ गया आ गया आ गया मेरा राजा भाई। ने क्या क्या लाया है दिखाओ मम्मी। तो ये है सारा नाश्ता फ्रॉम प्रभा, जैसे मैंने आपको बोला मिडिल पॉइंट में एक शॉप है। धनिया पत्ती लाया है भाई ने, बहुत ही अच्छा है एकदम चटनी खाने वाला। तो अगर समोसा बनाते हैं मम्मी तो मुझे चटनी खाने मिलेगा। इस लेडी को कब से बोल रही हूँ समोसा बनाओ समोसा बनाओ समोसा बनाओ, इतना ईजी है ना समोसा बनाना? ईजी है तो, लेकिन तुम्हारे पेट में पेट में क्या, मेरा पेट बहुत अच्छा है, पेट को कुछ नहीं बोलने का। पेट में मम्मी ऐसा बोल रही है कि मेरा, मैं खाने से मुझे कुछ तो प्रॉब्लम होता है। चवन ब्रश लाया है भाई ने, और ये काउ मिल्क मेरे घर पे यहाँ पे ई वाला देखो लाते हैं मिल्क का पैकेट, कभी कभी ये डिफरेंट भी वो लोग लाते हैं। ये शायद अंडा है ना, तो क्या है लाल, अच्छा सूखी लाल मिर्च। और इसमें है आलू प्याज, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं लाया है। वो कंजूस जाने से ज़्यादा कुछ लाता नहीं है, मेरे बड़ा भाई जाने से बहुत कुछ लाता है। जैसे ही मैंने बोला ना कि वो कंजूस जाने से ज़्यादा कुछ लाता नहीं है, मम्मी को ममता जाग गई और मम्मी कह रही है सब तो है घर में और क्या चाहिए। अरे मेरा बड़ा भाई जाने से ना फिश लेकर आता था, अच्छा कुछ फिश लेकर आता था, कुछ केक लेके आता था, ये जाने से कुछ नहीं लाएगा। क्यों मुझे ज़्यादा प्यार करते हो ना, बता दो ऑन रिकॉर्ड, हाँ बता दो किसको। 33.3% ये जायदाद का, जायदाद का नहीं है, फिर क्या सबका 33% 33.33333333 नहीं मुझे नहीं चलेगा 33.33, मुझे नहीं चाहिए, मुझे 3 का घर का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे 100% चाहिए प्यार, नहीं तो ना मैं ना इबर खुलती दो। ये मेरा सुबह का नाश्ता, इडली सांबर और साथ में है मिस्टर चाय। हम गरीबों के दिल भी
तो मैं अभी ऑफिस के लिए जाऊंगी। ओके, चेष्टा करूँ। नानी मुझे आम देने के लिए आई है, तो मैं भी फेस केयर कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी लगाऊंगी टोनर पहले। टोनर सूख गया है, अभी आता है मॉइस्चराइज़र की बारी। आज मैं अभी नहीं लगा रही हूँ सनस्क्रीन, लेकिन नहाने के बाद लगाऊंगी। ज़्यादा आज मसाज नहीं दूंगी, क्योंकि आज मेरे पास ज़्यादा काम है और ज़्यादा मैं आज अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। और मैंने बालों पे ना तेल भी लगा दिया है, तो मैं आज एक्चुअली शैम्पू बार यूज़ करने वाली हूँ, जो है फ्रॉम द ब्रांड अर्थ रिदम। तो वो ही है मेरा आज का प्लान। और यहाँ पे नानी आम दे गई है। आई गेस उन्होंने 10 बार मुझे बोला है कि आम खा लो, आम खा लो। आम मैं चम्मच से इसीलिए खा रही हूँ क्योंकि मुझे हाथ गंदा नहीं करना, ऑफिस का काम भी करना, इसीलिए। अदरवाइज कोई भी आम अगर चम्मच से खाता है मुझे गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूँ, अभी मैं मजबूर हूँ। ये जो आम का टाइप है, इसका नाम है हिम सागर, बहुत अच्छा आम है। तो अभी मैं जाती हूँ ऑफिस जोन में, मैं मिलती हूँ आपको ब्रेक में। नाश्ता मैंने ऑलरेडी पहले आज कर लिया, क्योंकि काम आज बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऑफिस के बीचों बीच अगर मैं कुछ ब्रेक लेती हूँ, तभी मैं मिलूंगी। ओके, बाय बाय। थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए मैं बीच में ब्रेक नहीं ली, डायरेक्ट दोपहर को भी ली। अभी मैंने जस्ट नहा लिया है, और मैंने बाल में आज जस्ट शैम्पू किया है, कंडीशनर नहीं लगाया। और शैम्पू मैंने यूज़ किया है अर्थ रिदम का सोप बार, जिसका मैं रिव्यू कुछ दिन में करने वाली हूँ, और बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्ट है। बड़ा भाई भी आ गया है ऑफिस से, आने के बाद ही उसका फेवरेट कुछ गाना सुन रहा है। छोटा भाई भी नहाना बाकी है, वो नहा के आ जाए तो हम खाना खाएंगे। आज घर पे मच्छी बना है, और ये मच्छी मछोलदारी से जो मच्छी लाई थी वही मच्छी है। तो दिखाती हूँ कि खाने में क्या क्या है। अब तक मैं थोड़ा सा फेस केयर कर लूँ। कितना गंदा लग रहा है ना, मुझे ऐसा वाला नेल्स बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, मतलब मेरे हाथों पे कि अनडन वाला, मतलब होने से पूरा होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, ऐसा अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। सो आज के खाने में है चावल, कद्दू और चिचिंगा का सब्जी विद प्रॉन, अच्छी फ्राई, ककरोल यानी कंतोला इन कोकोनट मिल्क, मतलब नारकेले दूध दिए काकरोल, एंड दाल। खाना बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा मच्छी था। बोल रहे मेरा पैर दिख रहा था कि वीडियो कर रही हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है ना, नॉर्मल व्लॉगिंग में ऐसा ही होता है, ठीक है। इतना सोचना नहीं पड़ता है। आई फील लाइक दैट कि व्लॉगिंग मतलब जो आप डेली व्लॉगिंग कर रहे हो, उसमें आप अपना लाइफ दिखा रहे हो, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ दिखा रहे हो, ठीक है। उसमें आप अगर बनावटी कुछ रखते हो ना, तो उसका जो सुंदरता है वो बिगड़ जाता है। आई फील लाइक दैट, बट माय ब्रदर इज़ लाइक, उसे एक्चुअली क्या है, उसके कुछ फ्रेंड्स देखते हैं शायद ये वीडियोस, तो उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा संकोच होती है, मे बी इसलिए। बट ही इज रियल जेम यार, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत प्यार करते हैं मेरे भाई को। मेरे भाई भी मुझे बहुत प्यार करता है। हाँ, बोल रहा है तुम्हें सब एक्टिंग की बात पे मत करो, ये एक्टिंग नहीं है, आई रियली लव हिम, रियली। मैं थोड़ा सा बस रेस्ट लेती हूँ, एंड देन उसके बाद फिर से वर्क जोन में चली जाऊँगी। मम्मी अभी तक खा रही है, नानी खा रही है, दीदी भी खा रही है, बड़ा भाई भी खा रहा है, बोले खा रहे हैं। मम्मी आएगी जैसे सोने, मैं तभी काम पे चली जाऊँगी। बाहर में बहुत अच्छी धूप आई है आज, मेरे जो ऑयल है उसको धूप दिखाने का अच्छा मौका है। चलो वो पहले करती हूँ। ये देखिए बाहर में अच्छा खासा धूप आ गया, तो यहाँ पे भी देती हूँ। मम्मी ने पूरा जीरा सुखाया था, सारा गिर गया, ये देखो पेड़ कितना अच्छा लग रहा है। मम्मी कमेंट्स पढ़ रही है, बृष्टि का कमेंट पढ़ रही है और हंस भी रही है। अरे वाह, अरे वाह। बाहर में वेदर देखो और उसके साथ चाय देखो। तो आज पूरे दिन में मैं इतना बात नहीं कर पाई, इवन शाम का चाय भी थोड़ा सा दिखा के मैं और कुछ बोली नहीं। क्या है आज ना, मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है, बताते उसका रीज़न। मम्मी जा रही है, आप सबको पता है, वो तो एक है ही, वो तो जाना है ही, लेकिन अभी जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही है। मतलब कल तक सब कुछ सही था, लेकिन आज फिर से वही प्रॉब्लम हुआ जो कि आते वक्त हुआ था। अंडमान से मेनलैंड जाना भी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना कि अंडमान के अंदर ट्रैवल करना है, मतलब अंडमान से दूसरे आइलैंड पर ट्रैवल करना है। तो यहाँ पर बस चालू नहीं है, आपको अपनी खुद की गाड़ी पर या फिर आप गाड़ी हायर करके जा सकते हो। तो हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, बस एक बाइक है, और वो बाइक तो नहीं जा सकता है बिकॉज अंदर में जरवा रिजर्व एरिया आ जाता है, वहाँ पे तो बाइक नहीं होगा। तो आपको फोर व्हीलर चाहिए, एंड फोर व्हीलर हमारे पास है नहीं। और मम्मी ने जिनसे जिनसे बात किया था, वो प्लान गड़बड़ा गया है, और मम्मी को अभी फिर से वही बैक टू वही टेंशन पे है कि जाए तो जाए कैसे, और क्योंकि जाना तो है ही, उनको ज्वाइन नहीं करने से उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो
अभी वही प्रॉब्लम है कि जाए तो जाए कैसे, और कैसे है मम्मी को जाने के बाद 7 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा एंड देन उसके बाद जाके मम्मी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं। तो यही एक प्रॉब्लम आ गया यार, अभी क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब बार बार सबको फ़ोन कर रहे हैं, कोई कोई अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, कोई कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। सो दैट इज़ द थिंग, ऐसा ही होने से ना बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होती है। आई नो कि मम्मी तो बार बार ही ऐसा बोल रही है कि मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, क्या करूँ, मतलब टेंशन लग रहा है, ख़राब मतलब टेंशन, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो इसीलिए मुझे और ब्लॉग व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा था। आई नो मेरे मतलब बड़ा भाई कूल है, वो बोल रहा है कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, बहुत सारे लोग आपके जैसे हैं, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड ना मम्मी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वही है, छोटा बेबी एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है उसी कारण। मम्मी अभी एक सर को फ़ोन करी है, वो बोले है बट ही इज़ इन सम अदर आइलैंड, वो भी जाने वाले हैं उसी साइड, लेकिन कैसे होगा क्या होगा कुछ मतलब पता ही नहीं हमें। तो इसी कारण मैं वीडियो व्लॉग बना नहीं पाई, तो देखते हैं क्या होता है। ये बहुत बड़ी चिंता है, बहुत बड़ी। मम्मी को अकेला जाना है, अगर कोई होता साथ में तो अलग होता, मतलब हम लोग अगर होते तो अलग होता। पहले अंडमान में ट्रेवल करना इतना ज़्यादा इजी था और अभी इतना ज़्यादा कठिनाई आ गई है ना, क्या बोले आपको। तो ठीक है चलो, ऑफिस का काम मेरा फिनिश हो गया है, वीकेंड का ठीक एक दिन पहले का है। कल हमें मम्मी के लिए थोड़ा बहुत शॉपिंग करने जाना है, क्योंकि मम्मी के पास नाइटी नहीं है, कपड़े नहीं, कुछ भी नहीं है। मम्मी ये 2 महीना मतलब कब का 2015-16 का नाइटी निकाल के पहन रही थी, जो भी सारे थे, क्योंकि लॉकडाउन है और अभी भी लॉकडाउन है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स हमें मिला है, यही है। ठीक है चलो अभी जाते हैं उस रूम पे, देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे। तो आज अभी मम्मी बना रही है चिंगड़ी माछे बड़ा, तो ये देखो ये है चुप चुप के फिश करी। इस रेसिपी का नाम है चुप चुप के फिश करी। ये मम्मी ने दोपहर पे बना के रखा था रात के लिए, रात दोपहर को तो फिश फ्राई था, रात को फिश करी है उसके साथ चिंगड़ी माछे बड़ा। तो इसके अंदर गया है झींगा मच्छी, नारियल, ग्रीन चिल्ली, हल्दी, नमक, रेड चिल्ली अगर चाहो तो दे सकते हो, और सरसों का तेल, और सरसों का तेल बहुत थोड़ा। तो एक्चुअली अगर आप चिंगड़ी माछ का पीठा बना रहे हो तो आपको सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा देना है, लेकिन इसमें एक्चुअली उतना नहीं चाहिए, नहीं देने से भी चलता है, क्योंकि ऑलरेडी नारियल का तो तेल होगा ही ना, क्यों जरूरत देना है। तो ये इसका बहुत स्मेल बहुत अच्छा होता है। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि बस फिश करी बना है और ये चिंगड़ी का बड़ा, तो चलो खाना खाते हैं। ये मेरा राइस प्लेट आ गया है, दे दो, थैंक यू। तो अभी आपने जो थोड़ा सा बस देखा वो एक्चुअली नानी बैठ के मेरा और मम्मी के साथ गप्पे मार रही थी, और फिर नानी भी सोने चली गई एंड मैं भी उस घर से इस घर पे आ गई, मतलब हॉल पे आ गई, क्योंकि मैं ना फ़ोन पे कुछ देख रही थी, हेडफोन मतलब नहीं लगाया हुआ था, तो मम्मी को वहाँ पे डिस्टर्ब होगा, मम्मी ऑलरेडी सो गई है। तो थोड़ा सा उस सामने के रूम पर लेट ही रही, थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते मैं एक्चुअली अप्रॉक्स मैं वहाँ पर लास्ट आधे घंटे से लेटी हुई थी, देन ऐसी जस्ट पड़ी हुई थी। आज मुझे ऐसा रिलैक्स करने का मन कर रहा था, सोचा था आज एक बहुत अच्छा मूवी देखूंगी, लेकिन इंटरनेट ख़त्म हो गया सो मूवी भी नहीं देख सकते हैं। 10 GB मिलता है हमें, लेकिन आई डोंट नो आज कैसे ख़त्म हो गया, अगेन वो हैकर आ गया शायद। तो मैं अभी फेस वॉश करने वाली हूँ विथ माई फेवरेट अरोमा मैजिक नीम एंड टी ट्री फेस वॉश। पहले से फेस वॉश करके आती हूँ, फिर बात करती हूँ। और मेरी गंदी आदत आप सबको पता ही होगा, जब फेस वॉश करूँगी पूरा कपड़ा मेरा भीग जाएगा, बूम। फेस वॉश हो गया है एंड मैंने कहा था ना पूरा भीग जाएगा, तो थोड़ा बहुत भीगा है एंड मैनेज कर लूँगी। अब करती हूँ किचन का लाइट को ऑफ। छोटा भाई यहाँ पे देख रहा है फुटबॉल, मम्मी एकदम डीप स्लीप में है। मैं थोड़ी देर में जाऊँगी वहाँ पर और जाके मैं फेस में क्रीम लगाऊँगी। तो यहीं पे मैं मेरा ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेस क्रीम लगाऊंगी हैप्पी हर्ब्स का, जिसका नाम मैं जपती रहती हूँ, क्योंकि सच में बहुत अच्छा इफेक्ट है मेरी स्किन में, इसीलिए बार बार बोलती रहती हूँ। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ कल विद न्यू ब्लॉग, वीकेंड ब्लॉग एक्चुअली। तब तक आप खुश रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।